सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट पोको F2 एंड इट्स रूमर्स। तो ये वीडियोस जो है YouTube पे एकदम फैली हुई है बाढ़ की तरह यार, इतनी वीडियोस है पोको F2 डालो एंड सारी ऑलमोस्ट फेक है जो कवर करती है। बट इस वीडियो में मैं रूमर्स के साथ साथ जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है अबाउट पोको F2 या पर्सनल जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सो ये कोई भी ऐसे नहीं कि यही पोको F2 आ रहा है या पोको F2 इस बार ऐसा आएगा वैसा आएगा, आई रियली डोंट नो कैसा आएगा पोको F2, बट ये मेरे कुछ थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस है कंबाइंड एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि दीज आर ऑल माई थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पोको F2 एंड आई एम श्योर कि कंपनी पोको F2 लाएगी क्योंकि पोको इज अ न्यू सब ब्रांड अंडर Xiaomi एंड एक फोन लाके दे कैनॉट मेक दैट ब्रांड सब ब्रांडेड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहला मेरे दिमाग में जो बात आती है अबाउट पोको F2 इज दैट पोको F2 में काफी ज्यादा मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इन द प्रोसेसर। सबसे पहला थॉट अबाउट पोको F2 इज दैट हमें ज्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे इन द प्रोसेसर साइड, बट आई एम श्योर कि कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इस पे पोको ज्यादा काम करेगी। एंड सबसे पहले जो अबाउट पोको F1 के बाद र्यूमर आया था कि पोको F2 845 पे आएगा, आई थिंक सो कि वो ट्रू हो सकता है। अब ये जो है मेरी पहला परसेप्शन है, आगे भी बहुत सारे थॉट्स मैं शेयर करता रहूंगा। तो 3 से 4 महीने जो है मेरे थॉट्स दिमाग में इस समय जो चल रहे पोको F2 के बारे में वो डिस्कस करूंगा। एंड जो सबसे पहला मैंने बताया 845 पे ही आएगा पोको F2 विद मेजर चेंजेस एंड अपग्रेड्स इन द कैमरा डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट स्पेशली ऑप्टिमाइजेशन पे, एंड द थर्ड इज बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी पे यार बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था पोको F1 को क्योंकि वो बिल्कुल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी थी। तो आई थिंक सो अ ग्लास और अ मेटल प्रीमियम डिजाइन विल बी वॉट पोको F2 विल कॉन्सेंट्रेट ऑन। तो ये था मेरा फर्स्ट। एंड आई ऑल्सो थिंक पर्टिकुलरली कि पोको F2 इसलिए 845 पे आएगा क्योंकि K20 Pro जो कि Xiaomi का अपना एक फ्लैगशिप बन चुका है उसके साथ वो कम्पीट करने के लिए सेम फोन 855 पे नहीं लाएंगे। मे बी वो 845 इस बार सेम प्राइस रेंज पे रहे बट दे विल ट्राई टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स दैट दे डिड विद पोको F1। इसलिए आई थिंक सो पोको F1 845 पे आएगा। एंड ऑल्सो जो मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही है वो है कि वीवो IQ जो कि इंडिया मार्केट में आने वाला है एंड उसका एक लाइटर एडिशन भी आएगा जो कि IQ लाइट के नाम से आएगा, यूथ एडिशन आई रियली डोंट नो बट आएगा, वीवो ने कंफर्म कर दिया है। एंड उसमें स्नैपड्रैगन 845 होगा under 20,000। तो मे बी Xiaomi जो है वैसे फोन टारगेट करने वाली है विद द पोको F2। तो ये था मेरा पहला थॉट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थॉट। तो जो मेरा सेकंड थॉट है अबाउट पोको F2, आई थिंक सो वो होने वाला है अ कंप्लीट सरप्राइज। अब हमने थोड़े दिन पहले देखा था ऑन ट्विटर जो पोको फोन के ग्लोबल हेड है एल्विन टी से, पता नहीं कैसे बोलते हैं, आई रियली डोंट नो, एल्विन टी एस ई है तो एल्विन से होगा आई थिंक सो, उन्होंने ट्वीट करके हमें अबाउट अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि Xiaomi इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी। अब जो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि वाई डिडेंट मनु कुमार जैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट हेड है ऑफ Xiaomi इंडिया या फिर जो ग्लोबल हेड है ली जून, उन्होंने ट्वीट करके क्यों नहीं बोला वाई ओनली द पोको फोन F1 और पोको फोन ग्लोबल हेड वाई सो। सो ये काफी ज्यादा मेरे दिमाग में बात चल रही है कि मे बी जब अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी मार्केट में नई नई हिट करे एंड वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आएगी ओप्पो वीवो के फोन्स में देखने को मिलेगी, इवन ऑनर इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी, तो काफी ज्यादा महंगी आएगी। बट पोको F2 माइट बिकम द फर्स्ट फोन जो सबसे ज्यादा चीपेस्ट रेट पे हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देगा। अब ऑफकोर्स ये जेन 1 होगा तो थोड़ा सा इश्यू जरूर होगा, बट आई थिंक पोको F2 विल बी अ फोन जिसमें हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी मिलेगी एट द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल बाय Xiaomi, क्योंकि आई थिंक सो जब कभी टेक्नोलॉजी आएगी इट विल बी समथिंग रियली एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम,
बट टू गेट द मार्केट डाउन टू बजट सेगमेंट, हमें पता है कि एम आई बजट किंग है एंड वो अपने पोको सब ब्रांड के साथ भी आई थिंक सो कुछ ऐसा सा ही करने वाला है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट रूमर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरी थॉट कह सकते हो यार, एक्चुअली इट्स नॉट अ र्यूमर, ये काफ़ी बड़ा थॉट है. क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 पे अगर पोको F2 आता है तो सबसे मेजर चीज़ होगी कि वो कौन कौन से मार्केट्स को हिट करेगा. अब सबसे पहली बात, शाओमी K20 रेडमी के नाम से इंडिया में ला रही है, चाइना में लॉन्च किया उन्होंने अपने रेडमी ब्रांड के साथ, बट विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने मी 90 और मी 90 प्रो के नाम से लॉन्च करा है, द सेम फोन दैट इज रीब्रांडेड देयर. तो आई डोंट थिंक सो कि पोको F2 विद 855 इज लेफ्ट फॉर एनी रीजन इन द वर्ल्ड. उन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह या तो 90 या तो K20 के नाम से लॉन्च कर दिया है ये फोन. बट स्टिल देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी जो मेरे दिमाग में चल रही है, दैट इज 855 के साथ वो कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं. जैसे कि मैंने अंडर डिस्प्ले के बारे में बात करी, वैसे ही समथिंग लाइक वो ला सकते हैं. एंड 855 के साथ दे कैन जस्ट कीप द रेट अ लिटिल बिट हायर और लिटिल बिट लोअर, ताकि थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिशन बना रहे अपने अंदर. अब शाओमी ऐसा भी करती है कि वो अपने खुद के दो फोन्स को कम्पीट करवाती है. काफ़ी बार ऐसा हुआ है मार्केट में कि मी के काफ़ी सारे फ़ोन्स रेडमी से कम्पीट कर रही है, पोको अपने रेडमी के फ़ोन से कम्पीट कर रहा है. सो सब ब्रांड्स को कम्पीट कराते हैं. मे बी पोको F2 अभी ना आए एंड अबाउट 3 to 4 months लेटर जब K20 प्रो लॉन्च हो गया उसके बाद एकदम से पोको F2 लॉन्च कर दे 855 पे विद अ मच चीपर प्राइस, ऐसा हो सकता है. एंड ये था मेरा थर्ड थॉट अबाउट द पोको F2. अब फाइनली कंक्लूड करूँ मैं, तो जो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा बड़ा थॉट है वो है, why did Alvin say tweeted about the under display camera technology, why didn't the global head या India head, क्योंकि भाई भाई मेन मार्केट हेड्स है. तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी विद अ स्नैपड्रैगन 845 855, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली कि वो क्या करना चाहती हैं. होपफुली अगर अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी आई तो विद 855 ही आएगी, बिकॉज कंपनी वोंट रिस्क इट कि वो एक पुराना जेन का प्रोसेसर डाल रहे हैं. एंड ऑफकोर्स 855 विल बी अ मेजर अपग्रेड ओवर 845, तो कंपनी को परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. एंड दिस वॉज फ्रॉम ऑल माई साइड एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड अभी बहुत सारे मैं कंटेंट वीडियोज ला रहा हूँ आगे भी, एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोज फॉर एग्जाम्पल लॉन्चर्स से रिलेटेड भी फ्यूचर में आएंगे वीडियोज. सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अच्छा, एक जो बड़ी पॉसिबिलिटी है वो मैं और पोको F2 कवर करना भूल गया. कंपनी ने पोको लॉन्चर 2.0 लॉन्च कर दिया है जो कि सबसे बड़ा हिंट है यार अभी मार्केट में. एंड जिस फोन पे उन्होंने ट्यूटोरियल बताया है, देयर इज अ लेडी जो ट्यूटोरियल दे रही है, तुम जाके देख सकते हो. एंड वो फोन काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है एंड काफी ज्यादा र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो भी पोको F2 हो सकता है. अब इतनी ज्यादा खबरें फैल गई हैं और पोको F2, जब कभी कुछ कन्फर्म्ड एकदम कंपनी से न्यूज आएगी तभी अब मैं बताऊंगा इसके बारे में. टिल देन हाँ, इंजॉय.